नामांकन भले कर लें, लेकिन बिहार में एनडीए के उम्मीदवारों को जनता का समर्थन हासिल होने वाला नहीं है। तो एनडीए के उम्मीदवार नामांकन तो करेंगे ही, लेकिन 4 जून को जो परिणाम आएगा तो पता चलेगा उनको। ये राजद और कांग्रेस का पुराना गठबंधन रहा है, एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं, कई चुनाव साथ लड़े हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए एनडीए गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के द्वारा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, उनके नामांकन का पर्चा भी दाखिल कराया जा रहा है, लेकिन जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो वहां पर एनडीए जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। वह इसके साथ ही इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आइए हम आपको वो सुनवाते हैं। नामांकन भले कर लें, लेकिन बिहार में एनडीए के उम्मीदवारों को जनता का समर्थन हासिल होने वाला नहीं है, ये तो सबको दिख रहा है। अब तो विवाद भी वहाँ है। तो एनडीए के उम्मीदवार नामांकन तो करेंगे ही, लेकिन 4 जून को जो परिणाम आएगा तब तो पता चलेगा उनको कि उन नामांकन से कोई फायदा। उनको चुनाव में जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि एनडीए को इस बार हटाना है। कांग्रेस और राजद में कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है, पप्पू यादव से लेकर कोई कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है। ये राजद और कांग्रेस का पुराना गठबंधन रहा है, एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं, कई चुनाव साथ लड़े हैं, सब ऑल इज वेल है, सब ठीक हो जाएगा। पप्पू यादव को कैसे समझाएंगे भाई? समझाना और बुझाना क्या है, चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग मिलकर के लड़ रहे हैं, इसमें किसी एक व्यक्ति का और इसका सवाल नहीं है। 400 सीट पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, अब चुनाव कैसे जीतेगी इसके लिए उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। वो तो घोषणा कर दिए कि पूर्णिया से ही हम लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। वो तो अब नेतृत्व उनकी पार्टी का और राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व का विषय है, वो अब बात करें। कब तक लिस्ट फाइनल होगा? 1-2 दिन में सब हो जाएगा। तो आपने सुना कि किस तरह से जो मृत्युंजय तिवारी हैं, उन्होंने एनडीए गठबंधन पर एक तरफ जहां करारा हमला बोला है, वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने बचाव किया है। वो मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर ये कहते हुए नज़र आए कि इंडिया गठबंधन में भले ही अब तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने 1-2 दिनों का वक्त भी बताया है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने भी 1-2 दिन का समय दिया था और कहा था कि 1-2 दिनों के अंदर ही जो सीट शेयरिंग है वो हो जाएगी। अब मृत्युंजय तिवारी है, उन्होंने भी 1-2 दिन का समय दिया है, लेकिन ये 1-2 दिन का जो समय है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है उसे आपने बखूबी सुना, और इसके साथ ही आपने ये भी सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। इसके साथ ही उन्होंने पप्पू यादव को लेकर भी अपना बयान दिया है। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।